नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही शुभ माना जाता है और एक विशेष महत्व दिया गया है तुलसी के पौधे को। तुलसी का पौधा हर घर में आंगन में पाया जाता है, जिसकी हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुबह शाम दीपक दिखाकर और जल अर्पित करके पूजा की जाती है। तुलसी में धन की देवी माँ लक्ष्मी का निवास माना गया है। धार्मिक शास्त्र में तुलसी के बिना किसी भी पूजा को लेकर श्राद्ध तक के कार्य को पूरा नहीं माना जाता है। जिस तरह से तुलसी के पौधे को महत्व दिया गया है, ठीक उसी तरह तुलसी की मंजरी को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल तुलसी की मंजरी व्यक्ति की हर प्रकार की समस्या को दूर करने में कारगर है। तुलसी की मंजरी में कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में आपको हम आज बताएंगे, जिससे कि धन लाभ के योग बनेंगे, प्राप्ति हो सकती है आपको धन लाभ की। आइए तुलसी की मंजरी के इन चमत्कारी उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। व्यक्ति अगर अपनी तिजोरी में तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर रखता है तो कभी भी उसकी तिजोरी खाली नहीं होगी। इसके अलावा धन संबंधी कोई भी समस्या व्यक्ति को नहीं सताएगी। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न तो होती ही है, साथ ही धन आने के भी सभी द्वार अपने आप खुल जाते हैं। यदि किसी की शादी होने में भी कोई समस्या आ रही है तो उसे दूध में तुलसी की मंजरी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे शादी के योग बनने लगते हैं। अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी ही, साथ ही घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।